She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hey guys, welcome back to my channel. आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बेसिक मेकअप लुक फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल बिगिनर्स आउट देयर हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मेकअप. एटलीस्ट आप बेसिक मेकअप तो कर सकते हो ये वीडियो देख के, जिसमें स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. सिर्फ ये मेकअप लुक में कोई भी आई शेडो लुक नहीं होने वाला है, बिकॉज उसके लिए और लंबा वीडियो हो जाएगा. सो जितना सिंपल एंड शॉर्ट ये वीडियो हो सकता था उतना मैंने ट्राई किया है. एंड इसके बाद शायद ही आपको प्रॉब्लम होगा कि क्या मेकअप स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए टू गेट फ्लॉलेस मेकअप बेस. जैसे कि आप देख सकते हो, आई हैव सो मेनी पिगमेंटेशन ऑन माई फेस, एक्ने मार्क्स है, डार्क सर्कल्स है, सब है, बट फिलहाल देर इज नथिंग विजिबल ऑन माई फेस बिकॉज ऑफ योर फ्लॉलेस एंड परफेक्ट मेकअप बेस. तो अगर आप ये वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन. सो हमारी मेकअप की शुरुआत होती है मॉइस्चराइजिंग से. सो मॉइस्चराइजर से क्या होता है, आपका फेस हाइड्रेटिंग हो जाता है. अगर आपकी ड्राई स्किन हो या ऑयली हो, आपको हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अपने फेस पे अप्लाई करने वाले हो, तो एक नरिशमेंट एंड आपका स्किन भी स्मूद एंड सॉफ्ट हो जाता है. देन नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो होता है प्राइमर. तो ये प्राइमर आप देख सकते हो थोड़ी सी जेल कंसिस्टेंसी में, थोड़ा थिक होता है. तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे नोज़ के अराउंड एंड फोरहेड्स पे ओपन पोर्स होते हैं, कहीं कहीं जगह पे गड्ढे होते हैं, तो हमें वो सारे फील करके एकदम प्लेन बेस देना होता है जब हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे. देन द नेक्स्ट स्टेप होता है कलर करेक्टर. तो कलर करेक्टर आपके स्किन के हिसाब से हम यूज़ करते हैं. सो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा थोड़ा डस्की स्किन है, तो मैंने मेरे स्किन टोन से डार्कर शेड यूज़ किया है. एंड जहाँ पे भी मुझे एक्ने स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स है, रेडनेस है नोज़ के अराउंड, देन पिम्पल्स के मार्क्स है, वहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ. एंड वहाँ पे हम एक ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे. ये ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा हम गीला करके लेंगे ताकि आपको एप्लीकेशन जो है वो स्मूथ हो जाएगा. एंड मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपने स्किन में. तो ब्लेंड मतलब हम उसे प्रेस करेंगे इनसाइड अवर स्किन, उसे हम फैलाएंगे नहीं. तो अभी आप देख सकते हो सारी डार्कनेस जो है वो कम हो गई है. तो अब हमारा आता है फाउंडेशन. तो फाउंडेशन आप अपने स्किन से मैचिंग भी ले सकते हो या फिर एक शेड लाइटर भी ले सकते हो. लाइटर मीन्स आप थोड़ा सा आपको फेयर दिखाना हो तो आप ले सकते हो. तो मैंने ये थोड़ा सा लाइट शेड लिया है मेरे स्किन के अकॉर्डिंग, तो मुझे फेयरर लुक कभी कभी पसंद है. सो ये आपको पूरे स्किन पर अप्लाई करना है, इवन अपने नेक पर भी. नेक को कभी भूलना नहीं. एंड देन सेम ब्यूटी ब्लेंडर से दूसरी साइड से मैं ये सारा ब्लेंड करूँगी. एंड देख सकते हो आप अपने हेयर लाइन में भी इसे ब्लेंड करना है, अदरवाइज वो एक कलर डिफरेंस नोटिस होगा. देन नेक पे आप फैला सकते हो क्योंकि नेक पे कोई दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया है. तो फेस को तो हमारा फाउंडेशन हो गया है. देन नेक्स्ट हम जो है वो कंसीलर यूज़ करेंगे, जो कि होता है हाइलाइटिंग कंसीलर. एंड ये हम हमारे सिर्फ और सिर्फ टी जोन में अप्लाई करेंगे. सो टी जोन मीन्स अपना जो आईज़ का पोर्शन होता है एंड पूरा फोरहेड से लेके चिन तक, ये होता है टी जोन. तो ये हाइलाइटिंग हम कहाँ करते हैं, जो हमारे हमारे आईज़ के नीचे जो होता है वो डार्कनेस होता है. सो हमें उसे और अच्छे से एनहेंस करना है, दैट सो हम यूज़ करते हैं ये हाइलाइटिंग कंसीलर. एंड इसे भी हम लाइट हैंड से ब्लेंड करेंगे, बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं. अगर आप इसे खींचेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से, मींस स्पॉन्ज से, तो वो सारा फाउंडेशन के साथ स्प्रेड हो जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों अंडर आइज़ का डिफरेंस, जहाँ पे मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर अप्लाई किया हुआ है. सो हमारा बेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है. अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो होता है पाउडर. तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज़ करो एज अ बिगिनर. एंड ये फ्लफी सा ब्रश है. सारा पाउडर जो है वो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर आइज़ के नीचे अप्लाई करो, जहाँ पे हमने कंसीलिंग किया हुआ है. जहाँ जहाँ पे भी कंसीलिंग है वहीं पे हम पाउडर अप्लाई करेंगे, बिकॉज अगर आप उसे ज़्यादा देर तक रखोगे तो वहाँ पे क्रीजेस पड़ते हैं. जो क्रीजेस में जहाँ पे भी रिंकल्स होते हैं हमारे फेस पे, वो लाइंस के अंदर वो सेट हो जाएगा एंड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा आपके फेस मेकअप में.
देन नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोरिंग के लिए हम इस तरह का डार्क शेड यूज करते हैं जो हमारे स्किन से बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है। तो अब देख सकते हो हमारे यहाँ पे जॉ लाइन है, हमारे फेस पे जो जहाँ जहाँ पे बोन्स है उन्हें हमें और ज़्यादा डार्क और डीप दिखाना है ताकि हमारे फेस में जो है वो शेडोज़ क्रिएट हो सके। आप देख सकते हो नेचुरल फेस हमें दिखाना है, नेचुरल मेकअप, तो हमें ये सब करना पड़ता है। तो हमारे फोरहेड पे भी बोन्स है हाईएस्ट पॉइंट पे, इवन हमारे जॉ लाइन पे बोन्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे डबल चिन है, तो यहाँ पे अगर मैं डार्क कलर अप्लाई करूँगी तो वो डबल चिन दिखेगी ही नहीं और वो हाइड हो जाएगी अपने आप, क्योंकि हमने वहाँ पे शेडो क्रिएट किया है तो वो जो वहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है वो छुप जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप होता है ब्लश। तो ब्लश के लिए आप फ्लफी ब्रश ले लो एंड अच्छे से स्माइल करो एंड जो भी हमारा चीक्स है उसे हमें नेचुरल एंड एकदम क्यूट सा पिंकिश दिखाने के लिए हम ब्लश अप्लाई करते हैं। एंड आप इसको आप अपने हेयर लाइन तक भी लेके जा सकते हो, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो अब थोड़ा सा लाइट पिंक रेड शेड में आप इसे यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट स्टेप होता है हाइलाइटर। तो हाइलाइटर भी आप अपने फेस के जहाँ पे भी हाईएस्ट पॉइंट्स है एंड जहाँ पे सन किस होता है, लाइक सूरज के नीचे खड़े रहोगे तो जहाँ जहाँ पे भी आपका फेस शाइन करेगा वहाँ पे आपको अप्लाई करना है हाइलाइटर। तो आप देख सकते हो आपके चीक बोन्स के ऊपर नोज पे हमने हाइलाइटर अप्लाई किया है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे आई मेकअप की तरफ। तो आईब्रोज के लिए फर्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये थोड़ा सा एश ब्राउन शेड, जो कि एग्जैक्ट ब्लैक भी नहीं है एंड ब्राउन भी नहीं है। तो आप अपने आईब्रोज़ के हिसाब से शेड चूज़ कर सकते हो आईब्रोज़ फिल करने के लिए। एंड देन आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर ड्रॉ किया है, अच्छे से शेप बनाया है एंड देन बीच में जो जो भी गैप्स है वो गैप्स को मैंने फिल किया है। आपको बहुत डार्क भी नहीं करना है एंड जहाँ पर भी गैप्स है आप उसे फिल करो। एंड देन ये पीछे की साइड ये एक कोम्ब जैसा ब्रश दिया होता है जिसे हम स्पूली कहते हैं, उससे आप अच्छे से कोम्ब कर दो। द नेक्स्ट स्टेप इज़ मस्कारा। ये मस्कारा तो सभी को पता होता है। तो आपको अपने आईलैशेस को नेचुरल एंड थोड़ा सा थिक दिखाने के लिए, थोड़ा वॉल्यूमिनस दिखाने के लिए हम मस्कारा यूज़ करते हैं। ये आप दोनों लोअर एंड अपर लैशेस को अप्लाई कर देना एंड ये आपके लैशेस आप देख सकते हो विजिबल हो रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज मेकअप फिक्सर। फिक्सर से जो आपका मेकअप है वो फिक्स हो जाएगा एंड आप घंटों तक इसे इसी तरह से रख सकते हो। ये ब्यूटी ब्लेंडर से जस्ट आप अंदर की तरफ प्रेस करोगे तो वो अच्छे से जल्दी से सूख जाता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज लिपस्टिक। लिपस्टिक के पहले हम लिप लाइनिंग करते हैं, बट आप अगर बिगिनर हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली थोड़ा सा लिपस्टिक से ही लिप्स को बॉर्डर कर दोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। एंड दे यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लाइनर। लाइनर काजल ये सारे ऑप्शनल है, आपको लगाने हैं तो आप लगा सकते हो नहीं तो नहीं। काजल तो मैं नहीं लगाती हूँ, सिर्फ मैंने लाइनर ही लगाया है। ओ यस, और ये रहा हमारा फुल फेस मेकअप इज रेडी। She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that feeds her. Everyone's lining up to see her. So yeah, that's it for this video. आई होप आप लोगों को कुछ तो सीखने मिला हो एंड आप लोगों को समझ भी आया हो कि किस तरह से आप अपना बेसिक मेकअप लुक भी कर सकते हो फॉर एनी ओकेजन। और अगर आपको मेकअप करना पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, क्यों नहीं, अगर हमें उसे खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है तो ज़रूर करना चाहिए। सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यहाँ पे सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकॉन होगा जिस पे आपको क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे जब भी न्यू वीडियोस मेरे चैनल पे पोस्ट होंगे। सो या टिल देन हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय।